नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अवस्थी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अजमेर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा की तबीयत बिगड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच जेएलएन अस्पताल लाया गया है। अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की टीम ने उसकी जांच की और इलाज के बाद टुंडा को पुनः भेजा गया है जेल। टुंडा पर 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके सहित अन्य मामलों में जांच चल रही है। पिछले लंबे समय से अजमेर सेंट्रल जेल में कैद है टुंडा। अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, तबियत बिगड़ी अब्दुल करीम और टुंडा की और इसके बाद उसे जेलन अस्पताल लाया गया, फिलहाल क्या बताया डॉक्टर्स ने, वापस जेल भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो खूंखार आतंकी है अब्दुल करीम टुंडा, उसकी तबियत अचानक खराब होने के बाद उसको पहले तो जेल के अस्पताल में ही दिखाया गया था, जहां पर हालत ज्यादा खराब होने के चलते उसको अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर किया गया और यहां पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको लेके गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। उपचार के बाद उसको दवाई और मेडिसिन देने के बाद उसको पुनः जेल के लिए रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि टुंडा जो है काफी लंबे समय से अजमेर जेल के अंदर मौजूद है, क्योंकि अभी जो उसके चार्ज में बहस चल रही है वो बहस पूरे होने के बाद गवाहों के जो आरोप है उनको लेकर के अब उसकी सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर के अभी अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर के केंद्रीय कारागृह में ही रखा गया है। अचानक तबियत बिगड़ने के चलते उसको तुरंत जेल में अस्पताल लाया गया, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच उसको लाया गया। काफी मरीजों को परेशानी हो रही क्योंकि खूंखार आतंकी है कहीं ना कहीं, हालांकि व्हील चेयर पर वो था लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए, आतंकी को ध्यान में रखते हुए उसको सुरक्षा का दी गई क्योंकि कोई अनहोनी घटना ना घटाए, लेकिन डॉक्टर ने उपचार करने का उसको पुनः जो केंद्र कारागृह है वहां के लिए रवाना कर दिया है। अब्दुल करीम जो टुंडा है उसके ऊपर 1993 के अंदर बाबरी मस्जिद जब ढही गई थी उसकी वर्षी पर पिछले बार बम धमाके करने के आरोप हैं। उन आरोप को लेकर के अजमेर की जो टाडा कोर्ट है उसके अंदर ये मामला चल रहा है, विचाराधीन मामला है, जिसके टुंडा के लेकर के लगातार जो सुनवाई है वो हो रही है, उस कारण से अजमेर के अंदर रखा हुआ है। जब उसकी हालत अचानक कवर करा हुई जिसके बाद उसको जेल में अस्पताल लाया गया और अब बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो स्थिर हुई थी, जिसके बाद उसको पुनः जेल भेज दिया गया, वापस जेल भेज दिया गया है। शुभम, यानी कि कोई सीरियस इशू नहीं है, कुछ बिगड़ी तबीयत और चेकअप करके रवाना कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जब तबियत खराब थी तो उसको पहले उधर जेल के अस्पताल में दिखाया गया था, जेल के अस्पताल में दिखाने के बाद उसकी तबियत ज्यादा खराब नहीं बताई गई, जिस कारण से उसको तुरंत जेल के लिए रवाना कर दिया गया। बताया यही जा रहा है कि जो आरोपी है वो काफी खूंखार था, इस कारण सुरक्षा के लिहाज से उसकी तबियत में कोई ऊंच नीच नहीं हो जाए उसका ध्यान में रखते हुए उसको तुरंत जेल एन अस्पताल पहुंचाया गया, जिस कारण से डॉक्टर ने वहां पर प्रथम उपचार के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद उसको पुनः जेल के लिए रवाना कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।